में डॉक्टर दिव्या सिंह ने डी मौसम के द्वारा प्रदेश की मौसम के बारे में देखा गया तो पिछले 24 घंटों में मध्य प्रदेश की काफी जगहों में बारिश और थंडरस्टॉर्म दर्ज किया है। वेस्ट एमपी में आइसोलेटेड बारिश हुआ है, 22 डिस्ट्रिक्ट्स में थंडरस्टॉर्म दर्ज किया है। मैक्सिमम रेनफॉल हुआ भोपाल में 39.4 मिलीमीटर। ईस्ट एमपी में भी थंडरस्टॉर्म दर्ज किया 15 डिस्ट्रिक्ट्स में और मैक्सिमम रेनफॉल छिंदवाड़ा में दर्ज किया था 20.2 मिलीमीटर। अधिकतम तापमान का देखा गया तो वेस्ट एमपी में 3 स्टेशन से हीट वेव दर्ज किया है और ईस्ट एमपी से 8 स्टेशन से हीट वेव दर्ज किया और सतना में सीवियर हीट वेव भी दर्ज किया है। सबसे अधिकतम तापमान वेस्ट एमपी में रिपोर्ट हुआ ग्वालियर में 45.7 डिग्री सेल्सियस और ईस्ट एमपी में छतरपुर में रिपोर्ट हुआ 46.5 डिग्री सेल्सियस। ईस्ट एमपी का 4 स्टेशन से वार्म नाइट कंडीशंस भी हमने दर्ज किया। अभी के सिस्टम के बारे में देखा गया तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 62 डिग्री लॉन्गिट्यूड में है और आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑलरेडी मध्य प्रदेश की सेंट्रल रीजन और साउथ ईस्ट रीजन में काफ़ी क्लाउडिंग है और ये जो नीला रंग में दिखे यहाँ पे ऑलरेडी कन्वेक्शन शुरू हो गया, क्लाउडिंग और क्लाउड बनना शुरू हो गया और शाम तक यहाँ पे बारिश के साथ गस्ती विंड का चांसेस है। तो ये कंडीशन के हिसाब से हमने फोरकास्ट और चेतावनी इसे जारी किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑलमोस्ट सारे डिस्ट्रिक्ट्स में सेंट्रल टू साउथ एंड साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट सारे डिस्ट्रिक्ट्स में अभी थंडरस्टॉर्म के साथ साथ गस्टी विंड का चांसेस है। तो ये विदिशा रायसेन सीकोरी रीजन में गस्टी विंड 50 to 60 किलोमीटर पर आवर का विंड्स का चांसेस है, जैसे खंडवा, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, शिवनी और पांडुना ये रीजन में भी। और नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट जैसे ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, भिंड, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, सिद्धि, सिंगरौली ये नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स में अभी भी टेम्परेचर 45 के आसपास चल रही है। यहाँ पे काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में हमने हीट वेव का चेतावनी दिया है। जो ऑरेंज रंग में दिख रही है वहाँ पे हीट वेव के साथ साथ वार्म नाइट कंडीशन भी होने का चांसेस है। और 18 तारीख का देखा गया तो सिस्टम जो लोकल सिस्टम बहुत इंटेंस होने का चांसेस है, जैसे ऑलमोस्ट वाइड स्प्रेड बारिश का चांसेस है ईस्टर्न एमपी का काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में, स्पेशली बैतूल, पांडुना, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी, शिवनी ये नीला रंग में जो दिख रहे हैं यहाँ पे मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा रहेगा। बाकी भी साउथ ईस्ट एमपी और सदर एमपी ईस्टर्न एमपी का काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में आइसोलेटेड प्लेसेस में बारिश होने का चांसेस है। और थंडरस्टॉर्म वार्निंग भी हमने ईस्टर्न एमपी के लिए दिया है, इसमें भी छिंदवाड़ा, शिवनी, बालागढ़ ये रीजन, पांडुना ये रीजन में गस्टी विंड बहुत स्ट्रांग होने का चांसेस है, 50 to 60 किलोमीटर पर आवर का गस्टी विंड और हेल स्टॉप का भी चांसेस है ये रीजन में। बाकी रीजन में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है 50 to 60 किलोमीटर पर आवर और येलो रंग में जो दिखा रहे वहाँ पे 40 to 50 किलोमीटर पर आवर का विंड स्पीड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और 19 तारीख को देखा गया तो भी सिस्टम मतलब सेंट्रल रीजन से सदर्न थोड़ा सा सदर्न रीजन में शिफ्ट हो रही है। तो लोकलाइज एक्टिविटी अभी भी साउथ ईस्ट एमपी के काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में जैसे नरसिंहपुर, शिवनी, छिंदवाड़ा, पांडुना, जबलपुर, कटनी रीजन में विंड स्पीड 50 to 60 होने का चांसेस है। बाकी रीजन में थंडरस्टॉर्म के साथ साथ 40 to 50 किलोमीटर पर आवर का विंड स्पीड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और 20 तारीख को भी लगभग यही कंडीशंस चालू रहेंगे। साउथ ईस्ट एमपी के डिस्ट्रिक्ट्स में विंड स्पीड का चांसेस ज़्यादा रहेगा, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में हल्की से बारिश, थंडरस्टॉर्म और गस्टी विंड का चांसेस है। और ये जो हीट वेव कंडीशन एक्चुअली 18 तारीख के बाद कम होने का चांसेस है। जो नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स में हमने जो चेतावनी अभी दिया है वो 18 तारीख के बाद टेम्परेचर फॉल होने का चांसेस है, तो उसकी वजह से हीट वेव कंडीशन हम विड्रॉ कर रहे हैं। और मानसून का कंडीशन देखा गया तो मानसून लास्ट कुछ दिन में आगे एडवांस नहीं किया है और कंडीशंस अभी उतना फेवरेबल नहीं है, 4-5 दिन तक ये ऑलमोस्ट यही कंडीशन रहेगा। तो मध्य प्रदेश में मानसून ऑनसेट के लिए और भी कुछ दिन हमें वेट करना पड़ेगा। धन्यवाद।